नमस्कार। क्रॉप इम्प्रूवमेंट रबी का क्रॉप की आज आंसर की आपके बीच में आ चुकी है, तो जल्दी से आप लोग अपने आंसर मिला लीजिएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं? पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी परपरागित फसल है? बच्चों परपरागित बतानी थी, तो इसका जो राइट आंसर था वो सूरजमुखी था। क्वेश्चन नंबर दो, चने का वनस्पतिक नाम आपसे पूछा गया था, क्या था भैया? साइसर एराइटिनम, ऑप्शन सी करेक्ट है। टमाटर को सुरक्षात्मक भोजन माना जाता है क्योंकि ये क्या प्रदान करता है? तो डी ऑप्शन इसका राइट था, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड्स। गेहूं के जंगली घास से विकसित होने का स्थान कहाँ पे माना जाता है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा होगा इसका। चार नंबर जो राइट ऑप्शन है बेटा, ये जो है ऑप्शन यहाँ पे जो राइट हो सकता है, गेहूं के जंगली घास से विकसित होने का स्थान, तो दक्षिण पश्चिम एशिया यहाँ पे ज़्यादा सटीक होता है, तो यहाँ पे पूर्व दिया गया, ये हो सकता है। अगला प्रश्न है कि गन्ने की किस प्रजाति को उत्तरी भारत में उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो सेकेरम ऑफिस इनेरम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, माफ़ कीजिएगा, सेकेरम ऑफिस इनेरम बच्चों नहीं होगा, सेकेरम इसका बारबेरी होगा, ठीक है ना? सेकेरम बारबेरी ऑप्शन नंबर बी राइट है, जो लोग ऑफिस इनेरम कर रहे हैं उनका गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत में मटर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश। जो इंडिया में मटर का सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है वो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कीट रैपसीड और सरसों की फसल को हानि पहुंचाता है? तो इसका एफिड्स राइट आंसर था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पानी में अघुलनशील गेहूं के आटा प्रोटीन को क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे ग्लूटीन। नेक्स्ट, आधुनिक खेती वाले अधिकांश गन्ना सरकरों के विकास में मुख्य रूप से कौन सी दो प्रजातियां इंपॉर्टेंट हैं? तो रोबस्टम और स्पॉन्टेनियम। अगला क्वेश्चन है, ब्रसिका जेंसिया का उत्पत्ति स्थान आपसे पूछा गया था, ब्रसिका और नाइग्रा। गेहूं के दाने के लिए वनस्पतिक शब्द है, तो कैरियोप्सिस है यहाँ पे राइट। गेहूं की किस प्रजाति को क्लब बीट के नाम से जानते हैं? तो टिटकम कॉम्पैक्टम। अगला प्रश्न है, भारत में आलू की शुरुआत एस ट्यूबरोसम किससे मानी जाती है? बताओ, भारत में आलू की शुरुआत एस ट्यूबरोसम एसएसपी ट्यूबरोसम से नहीं थी, बल्कि थी किससे? तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, आपको आता तो आप देखना बेटा, ठीक है? किस प्रजाति को चने का जंगली पूर्वज माना जाता है? तो सिसर रेटिकुलेटम को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गन्ने के वैश्विक महत्व को सटीक रूप से दर्शाता है? कौन सा गन्ने के वैश्विक महत्व को सटीक रूप से दर्शाता है? यहां पर जो राइट आंसर होगा, गन्ने के उपयोग मुख्य रूप से जैव ईंधन के उत्पादन और सह उत्पादन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा, ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आलू की कौन सी किस्म अपनी उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री के लिए जानी जाती है? इसका आंसर आपको चेक करना पड़ेगा, नीलिमा यहाँ पे बच्चों हो सकता है लेकिन क्लियर नहीं है, आप लोग जानना जो भी हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस मुझे जितने आ रहे हैं मैं उसी की आंसर की आपको बता रहे हैं, बाकी जो नहीं आ रहे उनका आप लोग देख लेना। गन्ने के प्राथमिक उत्पाद हैं तो ये सभी होते हैं, बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो स्पर्मा प्रकार के चने की विशेषता है? तो बड़े बीज, सफ़ेद फूल, पतले बीज का आवरण, अलग अलग रंग के वाले छोटे बीज, तो यही आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, गेहूँ के पौधे पर सबसे ऊपर की पत्ती को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्लैग लीफ। पॉइसम सैटिवम की दुगड़ी वैरायटी कौन सी है? तो 14 गुटसूत्र होते हैं, आप इस 14 याद रखना। आप 19वीं सदी में शुरू की गई प्रक्रिया में जंगली प्रजाति को सेकेरम ऑफिस इनेरम के साथ बैक क्रॉसिंग के मेथड से सुधार करना क्या कहलाता था? तो नोबलाइजेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्नो मटर की खाद फली है? सिल्विया यहाँ पे राइट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस गन्ना अनुसंधान संस्थान ने
जो है प्रजनन से संबंधित काम किया था SBI ने किया था। नेक्स्ट, चने के क्षेत्रफल उत्पादन में जो है सबसे अधिक हिस्सेदारी किस देश की, तो भारत की है। मटर की कौन सी किस्म आम तौर पर जैसे खेती की जाती है दाल के रूप में, तो आर्बेंसिस है ये, पाइसम सटाइवम वैरायटी आर्बेंसिस। गन्ने के डंठल को कुचलने और रस निकालने के बाद में जो बचा पदार्थ होता है उसे बोलते हैं बेगास। निम्नलिखित में से कौन सा आलू में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट, तो पटाटिन यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। चने का उत्पत्ति क्षेत्र किसको माना जाता है, तो दक्षिण पूर्व टर्की वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये प्रश्न मेरे को नहीं मिला है, जिसको आता भैया देख लेना। टमाटर में क्रोमोजोम आपसे पूछे गए तो 24 है। अगला प्रश्न, आलू का मूल क्षेत्र कहाँ पे माना जाता है, आलू का मूल क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। गन्ने का पुष्पक्रम एक खुली शाखित पेनिकल होता है जिसको किस नाम से जानते हैं, तो गन्ने के पुष्पक्रम को एरो बोलते हैं। ये ऐसे प्रश्न हमने बहुत बार वीडियो में रिवीजन कराए हैं, जो मतलब जिन बच्चों ने हमारी मैराथन क्लास अटेंड की है आज सुबह ही वाली, उससे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। सरसों के तेल में तीखापन का कारण है, तो एलाइल आइसोथायोसाइनेट। अगला प्रश्न, देसी प्रकार का जो चना है उसका सामान्य नाम क्या, तो बंगाल चना के नाम से जानते हैं। किस जंगली प्रजाति को मूल रूप से गेहूं में डी जीनोम का योगदान देने वाला माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी, मोनोकोकम और स्कोरोसा। अगला प्रश्न, गन्ने के किस हिस्से में आमतौर से कम सुक्रोज सामग्री के कारण प्रसंस्करण में पहले हटा दिया जाता है, तो जो अपेक्स पार्ट होता है अपेक्स वाला था। नेक्स्ट है, किस देश ने 2021 में प्रत्यक्ष उपभोग के लिए पहले अनुवांशिक रूप से संशोधित टमाटर को मंजूरी दी, तो जापान इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गेहूं के पौधे में जड़ प्रणालियों में कौन से दो प्रकार हैं, तो सेमिनल और कोरोनल, बी करेक्ट। अनुवांशिक रूप से संशोधित टमाटर में लंबे समय तक सेल्फ जीवन के लिए अभियंत्रित किया जाता है, उपरोक्त सभी फ्लेवर सेवर बीटी टमाटर 45 टमाटर सभी। सूर्यमुखी के तेल को अन्य वनस्पति तेलों की तुलना में पोषणात्मक रूप से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ पे ब्राज़ील होगा, इंडिया नहीं ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन, गेहूँ की बाली किस भाग में फूलदार ग्लूम और पेलिया होते हैं, तो स्पाइक में होते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल पुष्प कैपिटुलम, तो हेलियंथस NSB ऑप्शन राइट। सीमिट का संबंध किससे, तो ये है गेहूं से। गन्ने की किस प्रजाति में उच्च शर्करा सामग्री, उच्च रक्त शर्करा स्टार्च डंठल कम फाइबर, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ऑफिसिनेरम में। नेक्स्ट, आलू का संवर्धन किसके द्वारा देखने को मिलता है, तो सभी यानी ट्यूब सभी के द्वारा। मुख्य रूप से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय देसी प्रकार के चने पर शोध के लिए जाना जाता है, तो इकेरी सेट यहाँ पे है। अगला, C4 प्लांट C3 पौधा कौन सा इसमें है, तो गेहूँ C3 है। गन्ने का प्रारंभिक माह में कौन सी जड़ें निकलती हैं, सेट रूट, सी ऑप्शन राइट है। टमाटर का उत्पत्ति केंद्र कहाँ पे माना जाता है, तो दक्षिण अमेरिका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। एक हेक्टेयर के लिए ट्यूब प्रोटेटो सीड रेट कितनी है, 100 ग्राम। अगला प्रश्न है, टिटकम ड्यूरम का प्लॉयडी लेबल क्या है, तो 2N=4X=28। सूरजमुखी में साइटोप्लाज्मिक नर मादा को विकसित करने के लिए हेलिएंथस एनस को किसके साथ में क्रॉस कराया जाता है, ये क्वेश्चन हमें नहीं मिला, आप लोग ट्राई करिएगा इसको। कौन सी प्रजाति आलू समुद्र अल्प प्रजातियों से पूर्वज मानी जाती है, देखो ये प्रश्न भी नहीं मिला भैया, मैं झूठ क्यों बोल दूँ आपसे, गलत प्रश्न। किस प्रकार के चने में बड़े पत्ते और सफ़ेद फूल होते हैं, तो काबुली प्रकार यहाँ पर राइट ऑप्शन होता है, ठीक है ना। वीडियो में 55 क्वेश्चन ही मुझे मिले हैं, एक प्रश्न गलती से जो है एक पेज 5 क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, उसके हम आंसर नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जब हमने फोटो लिया था तो उसमें एक गलती से छूट गया बेटा, तो आप लोग इसको मत बनाना, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन आप मिला लो जितने मैंने बताया, सही आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नवीन जानकारी के साथ में, नमस्कार।